नीति शतक भाग 4 अर्थ पद्धति श्लोक 31। जाति कुल रसातल में जाएं, सद्गुण उससे भी गहरे धस जाएं, सदाचार पर्वत से गिरकर चूर चूर हो जाए, बंधु बांधव भस्म हो जाए, वीरता पर वज्र गिरे, भले ही सब कुछ हो जाए पर हमें पैसा मिले, क्योंकि पास पैसा न होने पर यह सभी गुण घास के तुच्छ तिनके के समान है। मानव के लिए स्वाभिमान एवं शौर्य पराक्रम चाहिए, यह दैवीय गुण है, इनसे मानव देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु जीवधारी तो संसार का कीड़ा है, इसी जगत में जीवन यापन करना है और इसके लिए धन चाहिए। धनम मूलमदम जगतम, धन ऐसे वैसे नहीं मिलता, ईश्वर को तिलांजलि देने पर ही ऐश्वर्यवान धनवान बनता है। भीरू न बनना, बंधु बिरादर का ध्यान रखना, सदाचारी बनना, सद्गुणों को अपनाना, कुल का ख्याल रखना इत्यादि ईश्वरीय गुण हैं। इन सभी गुणों को भाड़ में झोंके और कोठार भर लीजिए, क्या सचमुच ऐसा ही है? हाँ ठीक ऐसा ही है। एक एक शब्द को लीजिए, जाति क्या, क्या ब्राह्मण ठाकुर, क्या पांडे त्रिपाठी या माधव रामानुज, यह सब बीच में आई हुई है, वास्तव में यह सब किसी एक की चलाई हुई है, आदि में नहीं थी। जाति माने जिसमें जन्म लिया, यानी जिस वंश में, यानी खानदानी। खानदानी किसे कहते हैं? एक घटना सुन लीजिए। मैं लेखक स्कूल में पढ़ रहा था, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जिले में, एक शाम फुटबॉल खेलने जा रहा था, एक आदमी सामने से आता हुआ मिला, 50 से ऊपर थी उसकी आयु, कहा एक बीड़ी पीने को दो। मैंने कहा मैं नहीं पीता। एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ गए हम दोनों, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। 20 कदम बढ़ने पर मेरा एक दोस्त मिला, सहपाठी भी, साथी खिलाड़ी भी और बीड़ी पीने वाला भी। मैंने पूछा दोस्त एक बूढ़ी दो। उससे बीड़ी ली और पीछे लौटा और दौड़कर उस बूढ़े को बीड़ी दे दी। वह मेरा चेहरा घूरने लगा, पूछा कौन हो, किसके बेटे हो? मुझे विश्वास था कि न मैंने उसे कभी देखा था और न उसने कभी मेरे पिताजी को देखा है, फिर भी मैंने अपने पिताजी का नाम बता दिया। उसने आश्चर्य से कहा आप उनके बेटे हैं? तभी तो इतनी कोशिश से मुझे बीड़ी लाके दी और कहा मैं एक साइस हूं। साइस हमारी ओर चमार होते हैं। उसने गोया मुझे खानदानी कहा, परंतु सच यह है कि मैं भी उसे खानदानी समझता हूं। आज से कोई 45 वर्ष पहले यही समझता था कि पक्का ब्राह्मण होते हुए और आज एकदम भ्रष्ट होते हुए भी यही मानता हूं। तभी तो यह घटना और उसकी सूरत शक्ल क्या याद आज भी है, हालांकि फिर कभी उसे देखने का मौका नहीं मिला। जाति इसे कहते हैं और हम दोनों की जाति एक। वास्तविक जातीयता शायद यही है और शायद इसी जातीय भावना के कारण वह बूढ़ा बेबीड़ी था और मैं बूढ़ा बेघर उधार खाता हूं। शायद इसी जातीयता के गुण श्लोक में गिनाए गए हैं जो उस साइस में थे और थोड़ी बहुत मात्रा में मुझ में भी हैं। इसी प्रकार अन्य गुणों पर भी मिसालें देकर साबित किया जा सकता है, ये सब घर फूंक हाथ तापने के लक्षण हैं। वास्तविक बात यह है कि जीवन के अनेक उद्देश्यों में से पैसा कमाना भी एक अच्छा उद्देश्य है।
धनोपार्जन करना घृणित कार्य नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता आवश्यक है। ठीक उसी तरह जिस तरह मत्स्य यंत्र भेद में अर्जुन ने कहा था कि मुझे मछली की उस आंख को छोड़ कोई गुरु पितर बंधुजन या जन समूह कुछ दिख नहीं रहा है, जब उस कृष्ण भक्त अर्जुन के लिए तुच्छ मछली इतनी बड़ी चीज हो तो सारे संसार व्यापार के मूलभूत धन के प्रति दत्त चित्त होना कैसे अधर्म हो सकता है। चतुर्विध मुक्तियों में से धनोपार्जन भी मुक्ति का एक धर्म युक्त साधन है। धन को कमाने की विधि में शायद पाप का समावेश नहीं बल्कि खर्च करने की विधि में पाप लगता है। पापी के माने खर्च न करने वाला भी है। धन को घृणा से देखना एक प्राचीन प्रथा थी, तो धनी को गाली देना अर्वाचीन फैशन है। त्यागी महात्माओं का अनुसरण करने वाला मौखिक ही सही तब आदर का पात्र समझा जाता था, और अब कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बनकर केवल बनकर कैपिटलिस्टों को नहीं तो कम से कम कैपिटलिज्म को गाली देने में गर्व का अनुभव किया जाता है। एकदम छोटी बात, धन ही पर यह तो मत क्यों, अधिकार भी तो धन का सगा भाई है, बराबर का पट्टीदार। अधिकार से हमदर्दी क्यों, क्या डर लगता है? ऊपर जितनी बातें कही गई हैं या नहीं कही गई हैं उन सब को अधिकार पिपासु भी उतने ही घृणित रूप में करते हैं बल्कि उससे भी विभत्स ढंग से करते हैं। राजनीति अर्थनीति की संगनी है। धन और अधिकार दोनों को या इनमें से किसी एक को प्राप्त करने की चेष्टा करना इतना पाप कर्म नहीं है जितना उनका पूर्णतया सदुपयोग न करने में है। निजी उपभोग के लिए धन कमाना या स्वेच्छाचार के लिए अधिकार प्राप्त करना दोनों महापाप है। धन के साथ कृपणता और अधिकार के साथ अन्याय वाम मार्गी लक्षण है। चोरी डकैती और कत्ल के मुकदमे अगर चलाए जाएं तो दोनों पर चल सकते हैं। ऐसा लगता है कि समझ में छिपी चोरी कानूनी डकैती और अहिंसक कत्ल की आम इजाजत है, हमेशा रही है, शायद हमेशा रहेगी। श्लोक 32। संसार में सभी शुद्ध गुण धन की शरण लेते हैं। जो व्यक्ति धनी हो उसे लोग कुलीन मानते हैं, उसी को विद्वान समझते हैं, उसी को शास्त्रज्ञ कहते हैं, उसका भाषण या बातें सुनने को लालायित रहते हैं, उसके दर्शनाभिलाषी होते हैं। पिछले श्लोक में भी और इस श्लोक में भी दोनों में धन की महिमा गाई गई है, किंतु दोनों में अंतर है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि धन के न होने से क्या हानि है और इसमें धन के लाभ बताए गए हैं। पैसे के दोनों पहलू मूल्यवान हैं, चित्त भी पट भी। पिछले श्लोक के अनुसार धन के न होने की हानियां थी कि उच्च कुल में जन्मा है पर दरिद्र है, इसलिए दर दर धक्के खाएगा। गुणी है पर गली में उसे भीख भी नहीं मिलती। सदाचारी है पर सज्जन भी उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। कुछ बड़ाई दिखाई कि सरे बाजार खोपड़ी तुड़वाएगा। इसलिए कहता सब छोड़ दो और धन कमाओ। अरे छोड़ने की क्या बात है, सभी तो उसे छोड़े हुए हैं। अब इस श्लोक में सभी आपसे आप पास आने लगते हैं, जो नहीं है वह भी आते हैं धन के कारण, क्या इसमें कोई शक है? सब कुछ छोड़ा तभी तो धन जुटा है। कुल गुण सदाचार सगे रिश्तेदार सभी को छोड़कर एक धन को साधा, एक ही साधे सब सधे। नतीजा यह है कि जिनको स्वयं छोड़ा वह भी आते हैं और जो कभी उसमें नहीं थे वह स्वयमेव आ जाते हैं। धनी बन जाने पर अब तक कुल पर जो काई चढ़ी थी वह छिल जाती है।
आज के धनी के पूर्वजों का कोई नाम भी नहीं जानता था। अब पुण्य वसात या पाप वसात धनी हो गया तो उसके पापी पुरखे भी तर जाएंगे गया जी में पिंडदान करने से। आगे कई पीढ़ियों तक उच्च कुल के माने जाएंगे। जो नाम चला गया था वह भी आ गया, और जो नाम कभी नहीं था वह अब मौरिसी बन गया। इसी प्रकार जहां सील सदाचार की धनाभाव के कारण पूछ नहीं थी, वहां गांव शहर के सदाचारी सज्जन बैठक बनवाएंगे। पुराने रिश्तेदार आएंगे ही, नए भी बन जाएंगे। इस प्रकार कुल सील गुण गांभीर्य सभी मिल जाते हैं। अब इस श्लोक के अनुसार धन के करामात और भी बढ़ जाते हैं। काला अक्सर भैंस बराबर, मगर लोग उसको महापंडित मानने लगते हैं। पांडित्य उनके घर की चेरी बन जाती है। विद्वान लोग उसकी दरबारदारी करते हैं। उसकी कोठी पर शान सवेरे पाठ चलता है, शास्त्रार्थ की सभाएं लगती हैं। हजार अवगुण हों पर लोग उसे गुणी और गुणग्राही मानते हैं। गुणियों को गुजारे के लिए नौकरी और कहां मिलेगी। कोई समारोह हो सभापति वह, और भाषण सभापति से अच्छा किसका हो सकता है। सभी धुरंधर वक्ता उसी का गुण बखान करने में अपना भाषण समाप्त करते हैं। और तो और धनवान को लोग रूपवान भी मानते हैं, भले ही वह बेहद भद्दी शक्ल का हो। इसके अतिरिक्त साधारणतया रूपवती युवतियां भी उस काले कलूटे लंगड़े लूले पर लट्टू हो जाती हैं, जबकि वही सुंदर सुडोल पर दरिद्र युवक पर लानत भेजती हैं। अंत में रूप लावण्य धन दौलत कोठी घोड़ा गाड़ी यह सब निरर्थक है किसी निर्जन प्रदेश के एकाकी के लिए। इनका उपयोग तो देखने दिखाने की हद तक है, इसीलिए समाज में धन की प्रधानता है। पिछले श्लोक के निष्कर्ष को यहां भी दोहराइए। धन सत्ता एक ही कोख के जाए जुड़वा भाई हैं। ऊपर की सब बातें धनाधीश और सत्ताधारी दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। श्लोक 33। दुष्ट मंत्रियों से राजा तबाह होता है, इसी प्रकार आसक्ति से यति, लाड प्यार से संतान, अध्ययन छोड़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से वंश, बुरों की सोहबत से सदाचार, नशा करने से लज्जा, देखभाल न होने से खेती, परदेशवास से प्रेम, मुरव्वत न रखने से दोस्ती, डिठाई से खुशहाली, त्याग तथा बेपरवाही से धन तबाह हो जाता है। इस श्लोक में यद्यपि यति, विप्र, कुपुत्र, सील, लज्जा, खेती, प्रेम, दोस्ती आदि कई बातों की चर्चा है, किंतु वास्तव में केवल दो ही बातों पर विशेष जोर है, पहला राज और अंतिम धन। धन की तबाही के दो कारण बताकर यह और भी स्पष्ट कर दिया गया है। जिस प्रकार यति आदि संग से विनाश को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार धन का विनाश हो जाता है त्यागशीलता तथा प्रमाद से। त्याग तथा प्रमाद का अभिप्राय लेन देन के मामलों में त्यागशीलता दिखाना नहीं चाहिए, हिसाब किताब ठीक रखना चाहिए। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, पुरानी कहावत है। श्लोक में निषेधात्मक उपदेश मात्र है। धन के लिए त्याग प्रमाद का निषेध है, किंतु दान त्याग का निषेध नहीं हो सकता। हिसाब को रति, दान को हथी हाथी। श्लोक 34। धन की तीन ही गतियां हैं, एक दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। जो धनी दूसरों को दान नहीं करता और स्वयं आप भी उपभोग नहीं करता, उसके धन को तीसरी गति प्राप्त होगी।
अर्थात उसका सारा धन बर्बाद होगा। पिछले श्लोक में धन कमाने और उसे बचाने की विधियों पर चर्चा की गई थी। इस श्लोक में उसे खर्च करने की विधि की बात उठाई गई है। सबसे पहले धन की चंचलता की बात मान ली गई है कि वह एक जगह नहीं रहेगा, किसी न किसी रूप में चला जाएगा। स्वयं जाने वाली चीज को आप ही चलता बना देना उचित है। इसकी दो ही विधियां बताई गई हैं, एक दान, दूसरा उपभोग। यह दोनों विधियां स्वयं कमाने वाले के अधीन है। धनी अपने धन को जिस काम के लिए और जिस व्यक्ति को चाहे दान कर सकता है या जिस रूप में वह चाहे अपने ऊपर खर्च कर सकता है। दान देने पर उस धन को खर्च करने वाला दूसरा व्यक्ति होता है और अपने ऊपर खर्च करने पर अपने हाथ से खर्च करता है। कमाएं हम और खर्च करें दूसरे, इसे श्रेष्ठ माना गया है, तभी दान को प्रथम स्थान दिया गया है। दान साधारणतया धर्मार्थ कामों में होता है और वह धन भी दूसरे के हाथ से खर्च होता है धर्म के मार्ग पर। दान शब्द के साथ ही सुपात्र दान का अभिप्राय लगा हुआ है, इसलिए जिसे दिया जाए उसके द्वारा पाप कार्य में लगाने की आशंका नहीं है। अतः दानी पाप से बरी रहा ही। तब धनोपार्जन के संबंध में श्लोक 31 में जो कुछ कहा गया था वह इतना अनुचित न लगेगा जितना पहले लगता था। यह है धन के खर्चने की उत्तम विधि। अब मध्यम विधि को लीजिए, स्वयं उपभोग करना। दूसरों को दे डालें और वह भी परोपकार में, तो जरूर अच्छी बात हो सकती है। उसे उत्तम कहिए, उत्तमोत्तम कहिए, तो भी कोई हर्ज नहीं। किंतु यह अपने आप खर्च करना भी कोई प्रशंसा की बात है? जरूर है। हाँ, उतना नहीं जितना मुक्त दान की है। इसमें कम से कम इतना तो मान ही लिया गया है कि पैसे को चलता कर दो, दूसरों को हाथ न सही अपने ही हाथ से कर दो। मनमाने खर्च करे और मनमाने भोग विलास करे तो यह पाप नहीं तो और क्या है? यह शंका तभी उठ सकती है जब हम पिछले श्लोक की बातों को अगले श्लोक में ही भुला डालें। पिछले श्लोक के अंत में स्पष्ट कहा गया है कि पैसे के मामले में हाथ को ढीला न छोड़ें और सदा सावधान रहें। पिछले श्लोक के सारे शब्दों को असंबद्ध या भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को उद्देश्य करके कहे गए मानना भी भूल है। उन सब का व्यय से प्रत्यक्ष संबंध है। उसी के साथ स्पष्ट रूप में कहा गया है कि समृद्धि में विनम्र बना रहे, ढिठाई न करे, बंधु मित्रों के साथ मुरव्वत बरते, धनोपार्जन के लिए प्रवास करना पड़े तो संबंधियों से स्नेह संबंध न टूटे, लज्जा न त्यागे, नीचों से सोहबत न करे, कपूत न बने, इत्यादि इत्यादि। इन सब बातों का पालन करते हुए अपना धन आप स्वयं खर्च करे तो वह भोग विलास कैसे होगा और मनमानी कैसे? अगर हुई भी तो मर्यादा के भीतर होगी और लांछन के योग्य न होगी। ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि ऊपर की बातों पर अमल करने वालों का अधिकांश खर्च दूसरों को संतुष्ट करने में ही होगा, फिर भी वह दान नहीं है। इसमें खर्च का स्वामित्व धनी को प्राप्त रहता है और जिन लोगों को देता है वह व्यक्तिगत रूप में देता है और लेने वाले को भान रहता है कि अमुक व्यक्ति उन्हें दे रहा है। फिर यह लेने वाला भी स्वभावतया उपयुक्त उपदेशों पर आबद्ध रहेगा। अपने आप खर्च करने का एक रूप यह हुआ। अब दूसरा रूप देखिए। उदाहरण से बात ठीक समझ में आएगी। एक व्यक्ति है, 1,00,000 रुपया महीना कमाता है। वह 10,000-5,000 रुपया रोज खर्च करे तो भी क्या खर्च करेगा? भारतीय स्तर से तो कोई भी स्वयं अपने ऊपर 100-200 रुपये से अधिक खर्च कर ही नहीं सकता।
बढ़कर खर्च किया तो जितना खर्च होगा वह दूसरों पर होगा, स्वयं उस पर नहीं। खाएगा, पिएगा, पहनेगा, यात्रा करेगा, सिनेमा ड्रामा देखेगा, बस और क्या करेगा। इतना करने वाले के नौकर चाकर होंगे, घरवाले होंगे, दोस्त होंगे, संगी साथी होंगे। इन पर अगर खर्च किया तो आप पर तो न हुआ। स्वयं सदाचारी पिछले श्लोक के अनुसार रहकर दूसरों पर जो खर्च करेगा वह कदाचार में कभी संभव नहीं है। कोई है जो ऐसा खर्च नहीं करता, बल्कि बिल्डिंगें बनवाता है, कारखाने खोलता है, जमीन जागीर खरीदता है, बाग बगीचे लगवाता है और यह सब अपने लिए करता है, तब भी उसका खर्च सराहनीय है, क्योंकि वह अपने ही नाम पर यह करे इसके करने कराने के लिए सैकड़ों हजारों को काम में लगाता है, उनको पारिश्रमिक रूप में वेतन देता है। अंत तो गत्वा सब खर्च दूसरों पर होता है और नाम अपना होता है। करता वही है जो दान में करता है, यानी दूसरों पर खर्च करता है और दूसरों के द्वारा ही खर्च करवाता है, फिर भी वह दान का उत्तम स्थान प्राप्त न करके मध्यम स्थान को प्राप्त होता है, क्योंकि स्वामित्व नहीं छोड़ता। आप शंका उठाएंगे कि हाँ हम यह सब मानते हैं, किंतु आपने पिछले श्लोक में सब शब्दों को लेकर समाधान दिया, पर शुरू के राजा को ही क्यों छोड़ दिया और यति सुत को क्यों नहीं लिया? इसलिए कि आपकी वह व्याख्या उन पर बैठ नहीं सकती। नहीं, यह बात कदापि नहीं है। हमने जानबूझकर उन्हें बचा के रखा था कि अंत में लेंगे। चलो अंतिम शब्द सुत ही पहले लें। जब उस धनी को दूसरों के साथ ही इतनी सावधानी से जीवन बिताना है, तब स्वयं अपने पुत्र के लिए क्या कुछ नहीं सोचेगा। वह खूब जानता है कि अपने बेटे को, जो बाद में सारी कमाई का मालिक बनने वाला है, लाड प्यार से रखेगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए अपनी जैसी ट्रेनिंग उसे भी देगा। अब रही यति और राजा की बात, दोनों ही दूसरों का धन लेने वाले हैं, एक दान के रूप में और दूसरा टैक्स के रूप में। दूसरों का धन चाहे वह राजा हो या सन्यासी, मनमाना खर्च नहीं कर सकते। यति और राजा या अधिकारी भी उतनी मनमानी नहीं कर सकते जितनी मनमानी धनी कर सकता है। राजा को या राज का चलाने वालों को सुमंत्र ना पर चलना होगा। और यति सन्यासी सब कुछ खर्च कर डाले और किसी से कोई आसक्ति न रखे, न अपनों से न परायों से। राजा सब कुछ होते हुए भी सन्यासी के समान रहे और सन्यासी कुछ न होते हुए भी राजाओं से बढ़कर सबल रहे। सन्यासियों के संबंध में यह धारणा साधारण जनता में आज भी बनी हुई है। मुस्लिम फकीरों को शाह साहब अर्थात बादशाह कहते भी हैं, किंतु राजाओं के लिए फकीर या सन्यासी का शब्द प्रयुक्त नहीं होता। यद्यपि जनकादि चक्रवर्ती राजाधिराज भी साधु संत का जीवन व्यतीत करते थे। राजा सिबी ने एक कपोत के लिए अपने एकमात्र पुत्र का किस प्रकार बलिदान किया था। प्रागैतिहासिक गाथाओं को छोड़कर अर्वाचीन इतिहास में भी ऐसे ज्वलंत उदाहरण मिलते हैं। खलीफा उमर फारूक हजरत मोहम्मद के बाद दूसरा खलीफा था जो सारे इस्लामी संसार का बादशाह था। फारूक इसलिए नाम पड़ा था कि जिधर वह गया उधर उसकी फतेह ही फतेह रही। सारा यूरोप उसके अधीन आ चुका था। उसकी कितनी ही कहानियां पढ़कर दांतों तले उंगली देनी पड़ती है। एक बार की बात है, आम दरबार लगा था। जनता में से एक ने उठकर पूछा, क्यों खलीफा, हम पब्लिक में से सबके आधे बांह का कुर्ता है और आप पूरे बांह का लबादा कैसे पहन रखे हैं?
उमर ने अपने बेटे से उसका जवाब दिलवाया, जिसने भरे दरबार में खड़े होकर कहा कि यह देखो मेरे कुर्ते में बाहें ही गायब हैं। कपड़ा तो आपको, हमको और खलीफा को बराबर ही मिला था, सबको आधे बांह का। मैंने अपने उसी आधे बांह का कपड़ा निकाल कर अपने पिता खलीफा को दे दिया, पूरे बांह का बना दिया है। सब चुप। अस्तु। धनी अपने धन को दान भोग में खर्च न करे तो उस धन का विनाश होगा किसी और रूप में, तब वह दान के पुण्य और भोग के सुख दोनों से वंचित रहेगा। श्लोक 35। नग खरात पर चढ़कर घिसता है पर निखर उठता है, वीर समर में मार खाकर भी विजयी होता है। मतवाला हाथी मस्ती भरकर सवारी देता है, जाड़ों में नदी सूखती है पर उसके बालू के बिछावन मनों को हरते हैं। चंद्रमा की कलाएं शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं, किंतु दूज की पतली रेखा की बड़ी महिमा है। बाला युवती संभोग में निडहल होकर भी अधिक सुंदर लगती है। धनवान सर्वस्व दान कर दानवीर कहता है। इन सब का हाल पतला हो जाता है लेकिन बोलबाला होता है। पिछले श्लोक में जितनी बातें बताई गई उन सब में धन जुटता नहीं बल्कि घटता है। खर्च करने में मन को दुख हो सकता है किंतु खर्च के लिए घबराने की बात नहीं है। इतनी सारी मिसालें देकर समझा दिया गया है, हीरे को पत्थर समझकर उसे खरात पर न काटें और उसका मैल न निकाल दें तो अंदर की चमक झलकेगी नहीं। वीर की पहचान तभी होगी जब वह युद्ध में जूझ पड़ेगा। औरों को काट सकता है, खुद भी कट सकता है। कटकर मर गया तो वीरगति को प्राप्त होगा और सदा उसका नाम अमर रहेगा। अगर विजयी हुआ तो जयमाला पहनेगा और राज्य सुख भोगेगा। युद्ध में क्षत विक्षत होने से जो खून बहेगा वह रंग लाएगा। खिला पिला कर हाथी को मोटा तगड़ा बना देते हैं, उसे मस्ती चढ़ जाती है। अपने पराये का भेद न कर वह सब को रौंद डालता है, किंतु मस्ती कम हो तो कैंचूल उतरे नाग के समान झपट्टा मारेगा और रणभूमि में सवार को विजयी बना देगा। बरसात में वर्षा से और गर्मियों में बर्फ के पिघलने से नदियां भरपूर रहती हैं, किंतु शरतकाल में जल कम होने लगता है। तब भी वर्षा की बाढ़ ने बालू का जो पाट बिछा रखा था वह चांदनी में चमक उठता है और रमणीक दृश्य प्रस्तुत करता है। जल गया पर सुंदरता बढ़ी। शुक्ल पक्ष का प्रथम चंद्र हीन क्षीण होने पर भी पवित्रता तथा परिवृद्धि का सूचक है। प्रेमिका का क्लांत रूप प्रेमी युवक को कितना आकर्षक लगता है यह उसका मन ही जान सकता है। वह मधुमेह घड़ियां उन पृथक पार्थिव शरीरों को कैसे एकात्म कर देती हैं। दान का आनंद उन लक्ष्मी पुत्रों से पूछिए जो कंचन में तुलकर अकिंचन बन गए। नदी में से हरदम पानी बहा जाता है तो क्या उससे नदी को क्षोभ होता है? पानी के बह जाने में नदी की शोभा है। धन छूट जाए तो आनंद कैसे होगा ऐसी शंका हो सकती है, पर ऐसी शंका उठाने का हक किसे है? नंगा भाई चंगा ऐसी बात कहे भी कैसे सकेगा? वीर बहादुर के अंग प्रत्यंग से रक्त बिंदु टपकते देखकर तमाशाइयों को तरस आ सकता है, पर इस प्रकार तरस खाने का हमें अधिकार कहां से है? सहानुभूति के शब्द सुनकर उसकी वीर आत्मा सिहर उठेगी। पति पत्नी के प्रथम समागम में आनंद है कि क्लेश? उस नववधु को लोग आशीर्वाद देंगे न कि वर को साप। जब यह सब सही है तो धन दौलत लुटा देने में भी आनंद है।
परंतु सब किसी को सब आनंद भोगने का सौभाग्य नहीं मिलता। उपरोक्त उदाहरणों में से यदि एक का भी आनंद उठाने का अवसर मिला हो तो समझ लो कि बाकी बातों का आनंद भी उसी प्रकार होता है। सभी उदाहरणों को लोग मान लेंगे, पर धन या धनी की बात आने पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। यह धनियों के प्रति अन्याय है। धनियों में भी दानवीर होते हैं। स्वयं निर्धन रहकर किसी धनी की मनोवृत्ति को नापना हमारे लिए असंभव है। जो धनियों पर लांछन लगाते हैं, क्या लांछन लगाने में लोभ लालच का अंश नहीं है? किसी धनी का गुप्त धन शरीर के गुप्तांग से कहीं अधिक गोपनीय है। योग्य वधू वर के मिलने पर ही अलग शरीर एक दूसरे को अर्पित होते हैं। इन धनियों को इसी प्रकार प्रतीक्षा में रहना चाहिए कि उनके धन का सदुपयोग करने वाला कोई मिले। समाज में ऐसे धनी भी होते हैं। ऊपर धन और अधिकार को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया है। धनी साधारणतया उस प्रकार दान न करते हो जिस प्रकार के दान की बात कही गई है, तो क्या सरकार भी नहीं करती? सबको मानना पड़ेगा कि सरकार सदा इस टोह में रहती है कि खर्च के क्या क्या नए उपाय खोज निकालें। सरकारी बजट खर्च के आधार पर ही तैयार होता है, आय के आधार पर नहीं। वास्तव में उसे खर्च से निपटने के लिए आय के मार्ग ढूंढने पड़ते हैं। धनी को न मानो तो कम से कम धनियों के बाबा सरकार को तो मानो कि वह आय से बढ़कर खर्च करने में ही अपनी शोभा मानती है। सरकार को धनियों की सरकार कहना भी आजकल एक फैशन बन गया है। सरकार को सबसे बड़ा धनी न मानकर धनियों की सरकार कहना भी अन्याय है। पूंजीवादी देशों के संबंध में इस प्रकार लांछन लगाने की गुंजाइश हो भी तो समाजवादी देशों के संबंध में क्या कहोगे? आदर्श समाजवाद में धनोत्पादन के सारे साधन सरकार के हाथ में होते हैं। क्या वह सबसे बड़ी धनी नहीं हुई? बल्कि वह एकमात्र धनी है। इसलिए हमारा मंतव्य ही बदल जाना चाहिए। धनियों की बात पर सरकार की बात उठी है, सरकार भी धनी, इसीलिए हमें यहाँ धनियों से ही निपटना है। धनियों, तुम लक्ष्मी पुत्र हो, अर्थात लक्ष्मी तुम्हारी माता, और माता का केवल स्तनपान कर सकते हो, वह भी बाल्यावस्था में। जवान बनकर माता की सेवा करना मात्र तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। माता का उपभोग नहीं कर सकते। स्पष्ट भाषा में माता के साथ संभोग कोई नहीं करता। धन का अपने लिए उपभोग करना माता के संग संभोग करने के बराबर है। परंतु धनी को लक्ष्मी पुत्र कहना ही गलत है। जो जिसको पैदा करे वह उसका बाप कहता है। धनी अपने पुरुषार्थ से धनी बनते हैं, धन को वह पैदा करते हैं। इस प्रकार धन लक्ष्मी उनकी पुत्री है, और प्यारे पुत्री को योग्य वर को सौंपना ही प्रत्येक पिता का परम कर्तव्य है। अपनी बेटी की शादी अपने ही बेटे के साथ कोई नहीं करता, बाहर का वर ही उसका स्वामी होगा। इसलिए हे लक्ष्मी पुत्रो, अपनी पुत्री लक्ष्मी के लिए योग्य वर ढूंढो, नहीं तो वह अपने आप ढूंढ लेगी। श्लोक 36। गरीबी में एक आदमी पसर भर जौ के लिए लालायित रहता है, किंतु यदि वही व्यक्ति संयोग से संपन्न बन गया तो सारे संसार को तिनके के बराबर गिनता है। इसलिए इस संसार में वस्तुओं का मूल्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। दरिद्र के लिए जो वस्तु अत्यंत मूल्यवान है, उसी वस्तु का धनी के लिए कोई मूल्य नहीं है। पिछले श्लोक में संपन्न व्यक्तियों को त्यागशीलता की शिक्षा दी गई थी। संसार में संपन्न व्यक्ति कम ही होते हैं। साधारणतया गुजारा भर कमा लेते हैं
और बहुतेरे तो ऐसे होते हैं जो रात दिन लगे रहने पर भी एक जून पेट भर नहीं पाते। तब यह शंका हो सकती है कि जो कुछ परोपकार आदि करना है वह केवल धनियों को करना है, बाकी सबको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात ये लेने के अधिकारी हैं और देना इनके कर्तव्य क्षेत्र से बाहर की चीज है। अगर यही अर्थ लिए जाए तो सभी लेनदार बन जाएंगे, क्योंकि हर एक अपने को दूसरे के मुकाबले में गरीब ही देखेगा, इसलिए दूसरे की चीज को पाने का अधिकारी समझेगा। वैसे न मिले तो छीना झपटी पर उतारू हो जाए, मगर छीना झपटी में होता क्या है, सदा कमजोर ही लुटता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुकम्मल जंगल का कानून। एक नारा यह भी है, गरीबों एक हो जाओ, दुनिया के गरीबों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और एक होकर क्या करो, धनियों ने तुम्हें लूटा है तुम उन्हें लूटो। दोनों ओर से लूट मार मचे, जिस बुराई को मुट्ठी भर करते थे अब वही बुराई सब करें। फिर अमीर गरीब की क्या कसौटी, अमेरिका का या छोटे देश कुवैत का एक साधारण नागरिक भारत के बड़े अफसर से अधिक कमाता है। वहां का दरिद्र जो फेंकता है, यहाँ का धनी उसे बटोरता है। यह अतिशयोक्ति नहीं, वास्तविकता है। हमारे गांव में एक महाजन है, सबको कर्ज देता है, फसल पर दूना लेता है, गांव के दूसरे लोगों से उसकी आमदनी 100 गुना। मगर वह क्या खाता पहनता है, वही मकरे की रोटी, वही मैली धोती। बताओ यह महाजन धनी है कि वह मजदूर? क्या वह मजदूर इस महाजन के साथ एक होकर संघर्ष करेगा? या यह अफसर उस मजदूर के साथ सुर में सुर मिलाकर नारा लगाएगा? वह लूट की मनोवृत्ति भ्रामयिक और यह छीना झपटी की कार्य प्रणाली अक्रियात्मक। भर्तृहरि की सामाजिक व्यवस्था ही भारतीय परंपरा के अनुकूल है और वही संसार भर के लिए श्रेयस्कर है। लेन की प्रवृत्ति वर्जनीय और देन की मनोवृत्ति वांछनीय। समाज के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी यही यशो मार्ग है। पर दे कौन? वही जिसके पास देने को हो। धनी को देना चाहिए, दरिद्र क्या देगा? भर्तृहरि इस धनी दरिद्र की भावना को ही निराधार मानते हैं। धनी क्या है? व्यक्ति नहीं, उसकी वस्तुएं हैं। वस्तुएं हैं इसलिए वह धनी है। कम अधिक का सवाल नहीं है, क्योंकि देश, काल और व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार यह बात बदलती रहती है। जिसके पास जितनी वस्तुएं हैं उस समय उस जगह उतने का वह धनी, और उस समय उस जगह उस धन को वह देने में लगाए। इस प्रकार सभी लोग धनी और सभी देनदार। वास्तविक व्यवहार में यही होता है। हर गरीब अपने घर में यही करता है। घर का मालिक एक, खाने वाले सब मेहनत करने वाले, हट्टे कट्टे भी, और मेहनत न करके खटिया पर पड़े हुए बूढ़े और पालने में पड़े हुए बच्चे भी, और अकाल सकाल आटप का हुआ अतिथि भी। धनी के घर भी यही होता है। सारा संसार ही समान रूप से घर है, और इस संसार घर के सभी लोग समान। जब यह दृष्टि अपनाई जाएगी तब वस्तुओं के गुण और उनकी मात्रा का प्रश्न उठ जाएगा। परिणाम यह होगा कि जहां और जिसके पास जितना अधिक होगा उतना ही उसका मूल्य कम, और मूल्य की कमी के कारण प्रदान में अपार उदारता। सभी उदार चरित हो जाएंगे, संतोष बढ़ेगा, असंतोष घटेगा, और संसार का कार्य निष्कटंक रूप से चला करेगा।
श्लोक 37। हे राजन, यदि तू इस धरती रूपी गौ को दुहना चाहता है तो तू इस धरती पर रहने वाले इन मनुष्यों को दुधारू गौ के थन में खूब दूध छोड़कर बछड़े का भली भांति पालन पोषण कर। जनता सुखी समृद्ध रहे तो पृथ्वी माता कल्पत्रु बनकर तुझे मोह मांगा फल देगी। पिछले श्लोकों में धनियों तथा जनसाधारण को यह कहने के बाद कि अपना धन किस प्रकार खर्च करें, इस श्लोक में राजा या राज्य से कहा गया है कि जनता का शोषण न करे। जनता में जनसाधारण के साथ धनी भी शामिल हैं। राजा को या शासन को धनियों से अलग करने का कारण यह है कि राज ही सबसे बड़ा धनी है और उसे शोषण से रोकने के लिए कोई अंकुश नहीं है। लोकतंत्र में तो जनता के प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं, तब जनता के लिए और भी कठिनाइयां पड़ती है। जनता बिगड़ पड़े यही एक मार्ग रह जाता है। राजतंत्र में भी मंत्रिमंडल आदि होते ही है। राज्य व्यवस्था किसी प्रकार की रहे, जनता का शोषण तो रहेगा ही। लोकतंत्र में शायद और भी अधिक शोषण होता है, क्योंकि शासन यंत्र का लोकतंत्र में अधिक फैलाव होता है। वेतन में, भत्ते में अधिक खर्च होता है। जनजीवन तथा सरकारी नौकरों के वेतनों में सामूहिक रूप से इतना बड़ा अंतर आ जाता है कि करों का अधिकांश भाग वेतनों में चला जाता है। जनतंत्र में जनता मालिक और शासक उसके नौकर। अगर निम्नतम सरकारी नौकर चपरासी का वेतन साधारण नागरिक से अधिक हो तो मालिक का खून निचोड़ कर पीना नहीं तो और क्या है। सरकारी नौकरों को आजकल जो सुविधाएं प्राप्त हैं, क्या किसी नागरिक को प्राप्त हैं? सरकारी कर्मचारियों का वेतन जनता के जीवन स्तर से सैकड़ों गुना अधिक होता है। फिर बाहर जाने पर भत्ता अलग, सवारी का खर्च अलग, वह भी जितना वास्तविक भाड़ा है उससे अधिक। मामूली अफसरों को भी जीप की सवारी। साल में कम व बेस 3 महीने की बिना हाजिरी के पूरी तनख्वाह उठाना। बीमा प्रोविडेंट के अलग किस्त देकर नौकरी से हटने के बाद भी सूद समेत एक मुश्त रकम। पेंशन अलग। 10-20 वर्ष काम करो तो जीवन भर का ठेका। बीमार पड़ो तो दवा मुफ्त, सबसे बड़ा डॉक्टर मुफ्त, सबसे अच्छी दवा मुफ्त। सिर्फ सरकारी नौकर ही को नहीं, उसके बाल बच्चों को और रिश्तेदारों को भी। बीमारी के नाम पर बाजार से दवाएं लेकर बेच लेने का अलग धंधा। उनके बच्चों की शिक्षा का भी अच्छा प्रबंध हो जाता है कि नौकरियां मोरू सी बन जाएं। रहने के लिए अच्छा मकान, निजी मकान बनवाना चाहो तो लाखों रुपये उधार। एक जगह से दूसरी जगह बदली हो तो खर्च से कई गुना मुआवजा। यह सब दिया जाता है जनता के नौकरों को। मालिकों को क्या इनमें से एक भी सुविधा प्राप्त है? शासकों को फिकर नौकरों की है, मालिक की नहीं। मालिक भाड़ में जाए बला से, पर नौकर नाराज न हो। इसलिए जनता का खून चूसकर नौकर को इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाओ कि शासन चलता रहे और शासक बने रहे। जब तक यह नीति है तब तक शोषण रहेगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दार्शनिकों ने शासन को अभाव को ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली कहा है। अस्तु। भर्तृहरि भी यह मानकर चलते हैं कि शासन का असली निशान शोषण है। राजा नहीं रहे पर राज तो रहेगा ही। इसलिए भर्तृहरि के शब्द अब राजा की जगह राज पर लागू होने चाहिए। स्पष्ट है कि भर्तृहरि राज के विरोधी नहीं है, शोषण के भी वह इतने विरोधी नहीं है। वह चाहते हैं कि इस गऊ को दुहते रहना चाहिए पर बछड़े के लिए दूध छोड़कर, कि मालिक भी दूध पीता रहे और बछड़ा भी तगड़ा बने, जो बैल बनकर उसी का खेत जोते। यह भी शोषण है पर पोषण के साथ। पोषण युक्त शोषण को शोषण नहीं कहना चाहिए।
पर हो पोषण अधिक और शोषण कम। शोषण का अधिकांश भाग पोषण पर खर्च हो, सरकारी करों का कम भाग सरकारी नौकरों पर और अधिक भाग जनकार्य में लगे। जनकार्य में उतना ही अधिक लगेगा जितना कम कर्मचारियों पर खर्च हो। कर्मचारियों का वेतन स्तर भी बहुत कम नहीं हो सकता। वेतन का मापदंड जनजीवन के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। उच्च कर्मचारी और तुच्छ कर्मचारी के वेतनों में और जनता के आम स्तर में अधिक अंतर न हो। जनता तथा सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त सुविधाओं में समानता आ जाए तो सारा झंझट समाप्त हो जाए, नहीं तो पोषण की अपेक्षा शोषण की संभावना अधिक है। शिक्षा, रोग निवारण तथा न्याय में एकदम समानता लाना परमावश्यक है। खलीफा उमर का उदाहरण पीछे दिया जा चुका है, उनकी एक घटना और सुन लीजिए। उमर एक बार एक शहर में जा रहे थे। सवारी के लिए एक ऊंट और एक ऊंटवान गुलाम दास साथ था। रास्ते भर उमर आप 2 मील ऊंट पर सवार होते तो अगले 2 मील तक गुलाम को सवार कराते थे। अंत में जब उस शहर के पास पहुंचे तो सवारी की बारी गुलाम की आई। गुलाम ने बहुतेरे कहा कि आप ऊंट पर सवार होकर शहर में प्रवेश करें। उमर ने न माना और गुलाम को ऊंट पर जबरदस्ती सवार करा। आप उसकी नकेल थामकर शहर में दाखिल हुए। ऐसे हुक्मरान के हाथ में लोग जबरदस्ती हुकूमत सौंपेंगे? सरकारी करों के लिए भारतीय साहित्य में 2 उदाहरण मिलते हैं। जनता से कर इस प्रकार लें जैसे हवा फूल से सुगंध लेती है कि हवा भी महक उठे और दूर दूर तक उसकी सुगंधि फैल जाए, फिर भी फूल को कोई हानि न पहुंचे। और दूसरा उदाहरण मधुमक्खियों का है, जो फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना हर फूल से रस चूसती हैं और उस रस को मधु के रूप में परिणत करती हैं। कसाई की गाय न बनाकर जनता जनार्दन को कामधेनु बना लो, कल्पलता बना लो कि नाना प्रकार के फल भोग सके जनता भी और जनसेवक भी। श्लोक 38 कहीं सच और कहीं झूठ, कभी गरम और कभी नरम, किसी पर जुल्म और किसी पर रहम, कहीं लूटना और कहीं लुटाना, आमदनी की हद नहीं और खर्च की भी हद नहीं। इस प्रकार वैश्याओं की तरह राजाओं की नीति के भी अनेकानेक रूप होते हैं। तो क्या राजनीति का यही आदर्श है कि कोई भी बात विश्वसनीय न हो? राजनीति है ही ऐसी। सत्य ही को लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, पर क्या राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बनकर राज्य को निभा सके? उनके सत्य से उनके सारे सुख स्वाहा हो गए, साथ ही जनता को क्या क्या दुख उठाने नहीं पड़े होंगे। असत्य से भी राज टिके नहीं है। कुछ दिन वाह वाह रही तो और बात है, राज सत्य पर भी टिका नहीं है और असत्य पर भी नहीं। अगर टिका है तो इन दोनों के बीच ही टिका है। मित्र राज्यों को शंका भी रहे और शत्रु राज्यों को विश्वास भी, ऐसी ही राजनीति अधिक सफल रहती है। इसी प्रकार नरम गरम, रहम जुल्म, देन भी खूब और लेन भी खूब, इससे लोगों को आशा भी लगी रहती है और आशंका भी बनी रहती है। परस्पर संबंध एकदम टूटने नहीं पाते। इससे एक लाभ तो है ही, खुद को संभलने का अवसर मिलता है। इसमें कम से कम जोखिम है। लाभ हो या न हो, हानि का डर कम रहता है, और हानि से बचकर जो थोड़ा बहुत कर लें वह लाभ ही लाभ है। यह ऐसा सौदा है
जिसमें सब जोड़ घटाकर नफा ही नफा है। राजा को या राजनीतिज्ञ को वैश्य कहा गया है। वैश्य के इन सब रंगों में रसिक जन रस लेते हैं, साथ ही उसमें चटक मटक भी होती है। कुशल राजनीतिज्ञ के लिए इस चटक मटक की जरूरत न हो सो बात नहीं है। वैश्य को ऐसे इसलिए करना पड़ता है कि उसे सबको खुश रखना है। राजनीतिज्ञ की भी यही दशा होती है। वैश्य के लक्षण अनेक भले ही हों, पर लक्ष्य एक ही होता है, प्रेमांध से अर्थ लाभ करना। सो राजनीतिज्ञ भी स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि एकांतिक उच्च लक्ष्य किसी राजनीतिज्ञ का नहीं होता, किंतु ऐसे राजनीतिज्ञों में भी कहनी और करनी में काफी अंतर रहता है। अपवाद तो हर क्षेत्र में हो सकते हैं। वैश्य के लिए श्लोक में वारांगना शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? वार प्लस अंगना अर्थात वार अर्थात एक दिन की स्त्री। वैश्यावृत्ति प्राचीन काल से चली आई है, पर पतिव्रता धर्म भी प्राचीन हो सकता है। मानव समाज में भी संभोगिक संपर्क सनातन काल से नहीं रहा, फिर भी पतिव्रत्य की प्रतिष्ठा के बाद ही वैश्यावृत्ति को स्थायित्व प्राप्त हुआ है और वैश्याओं ने भी पतिव्रत्य का पालन किया है और ऐसी वैश्याएं मुक्ति की अधिकारिणी बनी है, इसके प्रमाण पुराणों में मिलते हैं। इन्हीं को वारांगना कहते हैं। एक दिन के लिए अथवा निश्चित समय के लिए किसी एक पुरुष को अपना पति मानती थी और उसके साथ पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। इस बीच में उस पुरुष का देहांत हो जाए तो उसके साथ सती भी हो जाती थी। ऐसी वारांगनाएं शायद अब नहीं रही, पर ऐसे राजनीतिज्ञ अब भी बहुत हैं जो जब तक जिस पार्टी में रहें भले बुरे में साथ देते हैं और साथ ही सहगमन भी करते हैं। साथ वाले को धुतकार कर पराये को पास करने वाले वारांगना नहीं बल्कि क्षणांगना है। न जाने कौन क्षण किसके बगल में जा बैठे। इस दृष्टि से वेश्याओं से राजनीतिज्ञ कहीं बढ़े चढ़े हैं। यह सत्य है कि समाज को समुन्नत बनाने वालों के लिए मिथ्याचरण शोभा नहीं देता। राजनीतिज्ञों के मस्तक पर यही भारी कलंक है। चंद्रमा में भी कलंक है, पर क्या उस कलंक से चंद्रमा की शोभा घटती है? चंद्रमा रोज घटता बढ़ता रहता है, पर क्या इस घटी बढ़ी से उसकी मर्यादा में अंतर पड़ता है? वास्तव में राजनीति की अस्थिरता में ही राज की स्थिरता है। सत्य कालांतर में अमृतत्व को प्राप्त हो सकता है। यह भी हो सकता है कि असत्य निरंतर पार न पड़े, परंतु असत्य सत्य अर्थात अर्ध सत्य इस संसार में सदा सर्वदा सफल रहता है और राजनीति में यह अकाट्य सत्य है। श्लोक 39। सत्ताधारी और राजाओं में ये छह गुण होने चाहिए। सुशासन हो, सभी उनका गुण गावें, प्रजा पोषण हो, सुपात्रों को दान धर्म मिले, स्वयं वह उचित सुखादि का भोग करें तथा सभी साथियों के सुख दुख का ध्यान रखें। जिन राजाओं में ये छहों गुण न हो उनकी शरण में रहना व्यर्थ है। पिछले श्लोक में राजाओं के अर्थात सत्ताधारियों के वर्तमान लक्षण बताए गए थे। कई प्रकार के व्यक्तियों और समस्याओं से उन्हें नित निपटते रहना पड़ता है, इसलिए उनके वह गुण वांछनीय न होने पर भी सहनीय हो सकते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि सहन किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनमें साथ ही आज्ञा कीर्ति आदि छह गुण विद्यमान हो। आज्ञा का अर्थ हुक्म की अपेक्षा कानून लेना उपयुक्त होगा। पुराने जमाने में राजा की आज्ञा ही प्रायः कानून का हुक्म रखती थी।
आजकल निरंकुश तानाशाही में भी शासक की आकांक्षाओं को कानूनी रूप देकर ही शासन चलाया जाता है। फिर उस आज्ञा या विधि कानून से सत्ता का यश बढ़ना चाहिए, न कि त्राही त्राही मचे। तीसरा शब्द पालन को पोषण के अर्थ में लें तो प्रजा का शोषण नहीं बल्कि पोषण होना चाहिए। चौथा शब्द ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का काम ज्ञानोपार्जन तथा ज्ञानोपदेश है। सृष्टि मात्र को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का स्वरूप मानकर परोपकार में जो भी प्रवृत्ति रहे वह ब्राह्मण वृत्ति का पालन करते हैं। प्राचीन काल में भी जन्मना ब्राह्मण होने मात्र से सभी ब्राह्मण यही वृत्ति अपनाते रहे हो यह अविश्वसनीय है। तब भी व्यक्ति विशेष ही इस प्रकार पठन पाठन आदि में लगे रहते थे। जातिगत न सही, व्यक्तिगत रूप से अब भी बहुत से इस प्रकार के सेवा कार्यों में तल्लीन रहते हैं। शासन की ओर से जन सामान्य की शिक्षा दीक्षा के लिए जो कुछ प्रबंध हो और वह बहुत अच्छा भी हो, तब भी ऐसे स्वतंत्र सेवकों की उचित सहायता सरकार की ओर से होनी ही चाहिए। सरकार का काम भारी पैमाने पर होता है और व्यक्ति अथवा संस्था का काम छोटे पैमाने पर, किंतु छोटे पैमाने का यह काम सरकार के लिए नमूना बन सकता है। इसलिए व्यक्तियों को पूर्ण रूपेण स्वाधीन छोड़ना चाहिए। सरकारी सहायता उनके लिए बंधन न बने। वास्तव में ऐसे कार्य गवेषणात्मक होते हैं, प्रयोगात्मक होते हैं, इसलिए सरकारी विशेषज्ञों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकारी विशेषज्ञ प्राय अपने विषय में विशेष जानकारी रख सकते हैं, किंतु यह स्वतंत्र कार्यकर्ता अपने खोजी स्वभाव के कारण ऐसी खोज में पागल बने रहते हैं जो अभी तक वजूद में न हो। यदि वह राजनीतिक प्रवृत्ति के होते तो पहले अधिकार को हथियाने की चेष्टा करते और अपने प्रयोगों को कार्यान्वित करते। सरकार अपने अनुसंधानों पर अरबों खरबों खपा सकती है तो इन खोजियों पर पूंजी लगाने में क्यों आनाकानी करे। इसलिए ऐसे ब्राह्मण प्रवृत्ति के व्यक्तियों को आदर सम्मान के साथ अनुदान प्रदान करना ही शासन का प्रधान कर्तव्य है। याद रहे, भोग तथा मित्र संरक्षण में अंत में दिया गया है। मित्र संरक्षण को आजकल की भाषा में कुनबा परवरी कहिए। जो व्यक्ति खुद उपभोग न करे उसके लिए कुनबा बिरादरी की ओर ध्यान देना भी कठिन है, इसीलिए इन दोनों को अंतिम स्थान दिया गया है। जो सत्ताधारी इन्हीं दो बातों से अपना शासन आरंभ करते हैं उनके लिए यह कभी नहीं कहा जा सकता कि भर्तृहरि के गिनाए हुए 6 गुणों में से 2 तो हैं, चलो 1/3 नंबर से पास, बल्कि उल्टे दोष गिने जाएंगे। राजा में राज्याधिकारियों में 6 गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाने पर भी विशेष व्यक्तियों का वह विरोध कर सकते हैं। आपकी विशेषताएं उनकी स्वार्थ सिद्धि में साधक बने या कम से कम बाधक सिद्ध न हो। स्वार्थ ही नहीं, परस्पर के स्वाभिमानों में भी टकराव न हो या वे सही मूल्यांकन न कर सकें, उनसे किसी लाभ की आशा रखनी चाहिए। स्वच्छंद और स्वाभिमानी व्यक्तियों के लिए अगला श्लोक प्रस्तुत है। श्लोक 40। भगवान ने जो जिसके भाग्य में लिखा है वह हर हालत में मिलेगा। ऊसर में पड़े रहे तब उससे कम नहीं मिलेगा और स्वर्ण पर्वत पर जा बैठे तब भी उससे बढ़कर नहीं मिलेगा। इसलिए धनियों के दरवाजे दीनहीन बनकर कुछ पाने की चेष्टा करना बेकार है, क्योंकि एक घड़े को चाहे छोटे से कुएं में भरे या बड़े सागर में, पानी उतना ही भरेगा जितना उसमें समा सकता है। भगवान ने जिन्हें धन दिया है, अधिकार दिया है, उन्हें चाहिए कि शक्ति भर दूसरों की सहायता करें। पिछले श्लोकों का सारांश यही है।
अब इस श्लोक में दानियों को नहीं बल्कि अर्थियों के प्रति लक्ष्य करके कहा गया है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए, किंतु अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वाभिमान को तिलांजलि देकर दीनहीन बनकर दूसरों से मांगना भी उचित नहीं है। विशेषकर पिछले श्लोक में जिन ब्राह्मणों के संबंध में कहा गया है उन्हें इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ओर आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान विज्ञान की बातें कहें और दूसरी ओर दीनहीन बन जाना उन्हें शोभा नहीं देता, और जहां हीनता को स्वीकार किया वहीं ज्ञान का उद्गम भी सूख जाएगा। स्वाभिमान है, स्वच्छंदता है, तभी उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो सका है, तब उसको निभाएं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उससे बढ़कर दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें धन अवश्य चाहिए। यदि धनी अधिकारी उनकी अवहेलना करते हैं तो करने दें। उन्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि जितना उनके भाग्य में है या जितने के वह अधिकारी हैं अवश्य मिलेगा। समय परिपक्व होने पर भगवान छप्पर फाड़ कर देगा, उसके यहां देर सही अंधेर नहीं है। ऊसर में भी आसन जमावे तो हथेली में आकर पड़ेगा, और जो भाग्य में ही न हो तो स्वर्ण पर्वत पर चढ़कर भी खाली हाथ उतर सकते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, वास्तव में ऐसा नित्य ही होता है, बहुतों का यह अनुभव भी है। ऊसर की रेत में कुरेदने पर क्या सोने हीरे या तेल की खानों की संभावना नहीं है? वहां भी किसी किसी के ऊपर ऊपर ही सोना मिल जाता है, और किसी किसी को हजारों गज नीचे खोद कर भी आखिर में निराश हो जाना पड़ता है। आप जगह खोदें, वहीं वह चीज हो भी, पर एक फुट इधर उधर हो गया और आप उससे वंचित रहे। साधारण कुआं खोदते हैं, कहीं पानी निकलता है और कहीं पत्थर। कई ऐसे भी देखे गए हैं कि पत्थर को बर्मों पर बर्मे लगाकर तोड़ दे गए और तब भी पत्थर ही पत्थर निकला, निराश होकर छोड़ दिया। दूसरे ने वही जमीन खरीदी और उसी कुएं में एक हथौड़ा मारा तो पानी का फव्वारा छूट निकला। शायद पहले वाला भी एक दो बर्मे और लगा देता तो शायद पानी निकल आता, पर उसके भाग्य में न था। तो क्या भाग्य पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? प्रयास करना चाहिए। यहां केवल दीनहीन बनने से सावधान किया गया है। काम करना है तो धन चाहिए। चाहे अपना आश्रम राजस्थान के बीहड़ उसर में बनाइए या हिमालय की बर्फानी चोटियों पर, आप अपनी जगह बैठे काम किए जाइए। धन अपने आप जलधारा की भांति बहकर आपके चरणों में आएगा। चाहे समुद्र से भाप बनकर मेघ बनकर आप पर बरसे या भाखड़ा बांध की नहरों से पहुंचे, पर पहुंचेगा जरूर। इतने दृढ़ विश्वास के साथ कार्य क्षेत्र में उतरना चाहिए। हो सकता है संसार के यह संपन्न और सत्ताधारी विषय की जानकारी न होने के कारण या अहंकार के कारण अंधे बनकर या स्वार्थी बनकर उन्हें न देख सकें।